मारवा स्टूडियो हुए 3 दिवसीय 7वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के अंतिम सत्र के दौरान पत्रकारिता के डिजिटलाइजेशन एवं मीडिया पब्लिक रिलेशन के विषय पर चर्चा की गई। भारत में वर्तमान समय में बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में अभिषेक मल्होत्रा, आलोक कुमार, जेपी सिंह, आलोक मोहन नायक, डॉक्टर बिनी सरीन, विनीता यादव, विजय शर्मा, उमेश चतुर्वेदी सहित समाज के कई दिग्गज हस्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम के संयोजक ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि पत्रकारिता में दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए पत्रकारों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 7th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा 2019 थर्ड डे एंड प्रोबब्ली द सेकंड लास्ट सेशन एंड टुगेदर आई वाज जस्ट काउंटिंग प्रोबब्ली दिस इज द 30th session which we just finished, we are trying to be, and 31st session probably is going to be another award function and entertainment program. But in all these 3 days, more than 100 people, they have come and spoken to all of you, and they have divided their best of the mind, best of the knowledge with you, their experience in the field of journalism. Almost 8 years back, we thought of starting an organization called International Journalism Center, and under this IJC we enrolled probably some of the most important associations of journalists, and all together we enrolled around about 20,000 journalists from all over India and abroad who have become member of IJC now. The first thing which we thought of after looking into the directory of United Nations, to my own surprise, there was no single day marked for journalism. And that was a time when we decided that we must have one day which must be marked for journalism, and 12th February, it was decided to have a day for journalism. 13th, luckily, World Radio Day, and today 14th is a Valentine's Day, and all together, for all these 3 days, we converted into a global festival of journalism. This is the first of its kind in whole of Asia and second in the world. I'm very happy that I have a confirmation from more than 100 newspapers, 300 websites of the world, and probably few channels here and there who have agreed to be a part of this festival this time. And we have risen from nowhere to probably 500 news centers from all over the world to cover this beautiful festival, which is called Global Festival of Journalism. Well, coming back to this particular session, I'm so happy today we have with us some of the very prominent journalists from all over India once again, and some of the best brains who've been in this field of journalism, who are going to share their ideas and their views on a particular subject. And we have kept a very small subject which says changing facet of journalism in digital era. कि जब से डिजिटल आया है तब से क्या बदलाव आप लोगों ने देखे हैं इस पूरे जर्नलिज्म के फील्ड में, तो मुझे दो लाइनें याद आ गई कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी। सातवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में शहीद भगत सिंह का पोस्टर भी लॉन्च किया गया, और महान क्रांतिकारी के बलिदान दिवस के अवसर पर लोगों में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जगाने की भी बात की गई। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य महानुभावों ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया और पत्रकारिता के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं एवं छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र भी बताए। वर्तमान भौतिकवादी विकासात्मक समाज में जिस तरह से लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्यरत हैं, उससे ऊपर उठकर समाज के लिए चिंतन करने की बात पर भी विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि समाज के बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें सामाजिक चिंतन को भी ध्यान में रखना चाहिए। महानुभावों ने कहा कि पत्रकारिता में अद्भुत क्षमता है और वह समाज और सत्ता दोनों को बदलने की क्षमता रखती है, बस शर्त ये है कि वह सकारात्मक और सही दिशा में होने चाहिए।
तीन दिन से चल रहे ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का समापन बहुत ही शानदार रहा, जिसमें समाज में सकारात्मक कार्य करने वाले प्रतिष्ठित लोगों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। मार्वा स्टूडियो ने देश का पहला ऐसा संस्थान बनने का गौरव प्राप्त किया है जिसने पत्रकारिता के लिए ग्लोबल फेस्टिवल का आयोजन किया है। आज इस इंटरनेशनल अपना ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो कि सातवीं जिसकी आज कड़ी मनाई गई, बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। और तीन दिन से आप लोगों ने बहुत मेहनत की, उस मेहनत का ये अपना ज़रूर रिजल्ट है कि आज इस फेस्टिवल के बारे में पूरी दुनिया में इसमें वेव्स उठ रही हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि एक इंडिया में ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें सारे जर्नलिस्ट आते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर इसी लाइक थीम। वो हर तरह की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जिस तरीके भी दे सकते हैं, एक्सटेम्पोर आके देते हैं। आज जैसे हमें बुलाया गया था, कुछ हमारे बाकी भी पत्रकार साथी थे, किसी को भी कोई थीम नहीं पता थी। यहाँ आके ही हमें इन्होंने बताया कि आपने इसके ऊपर बच्चों का मार्गदर्शन करना है, तो बहुत अच्छा लगा। और अगर हमें दोबारा अगर डॉक्टर संदीप मारवा बुलाएंगे तो हम दोबारा आएंगे। और संदीप मारवा जी को जैसे 50 देशों के वो कल्चरल एम्बेसडर बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक ऐसे लीजेंड जो इस इंस्टीट्यूट का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही मेहनत से जिस अपना उन्होंने इसको सींचा है, तो मालिक करे इनको हर तरफ से हर कोई इनकी मदद करके इस इंस्टीट्यूट को और शिखर पे पहुंचाए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। सोर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के वाशिंदे हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने हमारे भगत सिंह फोरम को इज्जत देने के लिए फिर से एक बार भगत सिंह का पोस्टर अभी लॉन्च किया है। सातवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन के आखिरी प्रोग्राम तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आखिरी पड़ाव है और अब सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम थोड़ा सा बचा है। इस पूरे तीन दिन के दौर में जो जर्नलिज्म का कुंभ यहाँ आप लोगों ने देखा, वो उसमें तकरीबन 150 से भी ज़्यादा लोगों ने आकर देश भर और दुनिया भर से बोला। तकरीबन 30 मुल्कों ने भाग लिया है और करीब 18 अम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स ने खुद आकर इस पूरे फेस्टिवल में भाग लिया है। दुनिया भर से और देश भर के हर कोने से हमें मुबारकबाद के मैसेज आते रहे हैं इन तमाम तीन दिनों में। और अच्छी बात तो ये है कि लोगों को ये यकीन हो गया कि जो एशिया का सबसे बड़ा जर्नलिज्म का मेला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जर्नलिज्म का मेला अपने सातवीं मंजिल को आज पार कर गया है। बहुत बड़ी बात हुई है, मैं समझता हूँ आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक ही दिन में दो मुल्कों के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है, एक गैम्बिया के साथ और दूसरा आइसलैंड के साथ। और दोनों मुल्कों के अम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने, और आपको पता है कि जो अम्बेसडर और हाई कमिश्नर होते हैं वो अपने देश के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उनके साइन का मतलब होता है कि उनकी सरकार ने हमारे को रिकग्निशन दी। और सिर्फ हमने इंडो आइसलैंड फिल्म एंड कल्चर फोरम और इंडो गैम्बिया फिल्म एंड कल्चर फोरम ही नहीं बनाया, अगर उस MOU को आप पढ़ें तो उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, करिकुलम एक्सचेंज, यूनिवर्सिटी टाइप्स और जॉइंट वेंचर्स, स्कॉलरशिप, फिल्म फेस्टिवल और जितने भी जर्नलिज्म से जुड़ी हुई दूसरी एक्सरसाइज हैं सबको हम लोगों ने उस MOU में डाला है। आपने देखा होगा कि दोनों ही अम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहाँ से बहुत खुश गए हैं, क्योंकि ये खबर जो आज यहाँ बनने वाली है, आज यही खबर उनके मुल्कों में भी बनाई जाएगी। मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन गैर सरकारी होने के बावजूद भी हम लोग, क्योंकि हमें अपने देश से इतना प्यार है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भी दूसरे मुल्कों में उतना ही हो जितना दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में अपने देश का नाम सुनना चाहते हैं।